गुड मॉर्निंग सेकेंड और थर्ड क्लास। आज का हमारा क्या टॉपिक है? हिंदी व्याकरण में सब्जियों के नाम और शरीर के अंगों के नाम। ठीक है, सभी बच्चे अपने हिंदी व्याकरण की कॉपी निकालेंगे। सभी निकालें। आज हम आपको सब्जियों के नाम और शरीर के अंगों के नाम लिखवाएंगे। ठीक है क्लास। सभी निकालेंगे। सभी से निकाला। अब देखिए पाते हैं, देखेंगे सिर, माथा, उसके बाद क्या है? आँख, जीभ, त्वचा, खाल को बोलते हैं त्वचा, कान, गर्दन। सभी लिखेंगे। गला, कंधा, हाथ, कोहनी, अंगुली। सभी के साथ सभी बच्चे लिखेंगे। पैर, कमर, और घुटना। सभी लिखेंगे। सेकेंड और थर्ड क्लास। सभी लिखे इनको। या आपके पेपर में भी आ सकते हैं कि शरीर के अंगों के नाम लिखें, तो आप इस प्रकार से लिखोगे।
चलो लिखेंगे सेकंड थर्ड क्लास यहाँ तक सभी बच्चों ने लिखा सभी की समझ में आया। आप कोई भी शरीर के अंगों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो आपको लिखना आता हो, गलती ना करें। सभी बच्चे लिखेंगे देखिए। सबसे पहले सब्जियों में क्या खाते हैं? आलू, ठीक है। बच्चे आलू को खुश होकर खाते हैं लिखेंगे आलू, गाजर, टमाटर, सभी लिखेंगे। ककड़ी, ककड़ी भी आप सभी बच्चे खुश होकर खाते होंगे क्योंकि गर्मियों में आती है, सलाद भी खाते हैं, ठीक है, अच्छी भी होती है सेहत के लिए। अदरक, शलगम, करेला, प्याज, पालक, नींबू, भिंडी और बैंगन। सभी बच्चे लिखे हैं सब्जियों के नाम।
भी लिखेंगे। ये हमारे शरीर के अंगों के नाम थे और ये सब्जियों के नाम, क्या सेकंड और थर्ड क्लास के हैं। हिंदी व्याकरण का काम यही है हमारा। सभी बच्चे अपने अपनी कॉपी में लिखेंगे इनको, सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे। यहाँ तक सभी ने लिखा है सेकंड और थर्ड क्लास। ये हमारे शरीर के अंगों के नाम है और सब्जियों के नाम। सभी बच्चे इस काम को हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे ठीक है क्लास। ओके सेकंड और थर्ड क्लास, थैंक यू।